गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बढ़िया हो गए फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स काम हो गया जी, आधा काम हो गया, कपड़े लत्ते धोने को रह गए फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा जी आज बहुत ही गुम्मस है, पर शुक्र मानो जी बारिश हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले मिल लो जी आप रूही कन्नू से, खा रहे खाना, हेलो करो। हाय, ये देखो जी कन्नू करती है जी बहुत ही ड्रामे फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारी बारिश हो रही, मैं कपड़े धो रही थी फ्रेंड्स बाहर, तो इधर बारिश हो रही है, बहुत ही अच्छी बारिश हो रही है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ जी, इधर मैंने मोटर भी चलाई है जी, आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी बारिश हो रही है जी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है फ्रेंड्स। इधर भी देख सकते हो जी, इधर भी कितनी बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। हाँ देखो कल बारिश हो रही है, आज हो रही है, आज ये कन्नू है जी, ये देख सकते हो फ्रेंड्स बहुत ही बारिश हो रही है जी। तो इधर है जी फूल, इसकी भी सिंचाई हो जाती है जी, फूलों फालों की भी सिंचाई हो जाती है जी, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। डॉगी भी जी नहा रहे हैं, ये देख सकते हो इतनी बारिश हो रही है फ्रेंड्स, तो पानी कैसे निकल रहा है जी, एकदम से पानी ज़्यादा निकल रहा है जी, बहुत ही बारिश हो रही है फ्रेंड्स, बहुत ही बारिश हो रही है, ये आप देख सकते हो जी। तो अच्छी बात है जी, थोड़ा सा हम लोगों को भी सुकून मिलेगा फ्रेंड्स, तो अच्छी बात है, अच्छी सारी जगह पे बारिश हो रही है। अंदर आ जाओ बाबू, तो साफ़ सफाई फ्रेंड्स हो गई है सारी, बाहर रह गया जी पोछा लगाने को, अंदर हो गया जी। तो इधर मैं फ्रेंड्स मैं धो रही हूँ कपड़े, तो कपड़े हैं जी बहुत सारे, तो मैं पहले कपड़े धो लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं बारिश दिखाने के लिए आपसे। तो मैंने वगैरह बच्चों के धो दिए हैं जी सारे ड्रेस, तो उसमें अब धो रही हूँ फ्रेंड्स सारी ड्रेस मिलते हैं जी। कन्नू खाना खा लो बेटा, खाना खा लो, तो मेरे रूही अपने हाथ से खिला दे, मेरे हाथ खाओ जल्दी खाओ। तो फ्रेंड्स इनको मैंने अब इनको क्या हो गया जी, घी मैंने बनाया था तो इनको पड़ गई जी घी खाने की इतनी लत, अगर थोड़ा सा भी बिना घी के खाना हो तो बोलती है इसमें स्मेल नहीं आ रही है, कैसा हमें दिया है फ्रेंड्स, तो ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा जी, प्योर घी तो यहाँ पे मिलता नहीं। जो मैंने बनाया था उस दिन आपको मैंने वीडियो बना के भेजी है फ्रेंड्स, तो उस दिन से वो पड़ा है जी, थोड़ा थोड़ा मैं इनको देती हूँ खुशबू के तौर पर, जब तक इनको पूरी खुशबू नहीं आती सूंघती रहेगी तब तक बोलेगी इसमें है ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं काम कर लेती हूँ, फटाफट इधर मैंने रैक रख लिया है जी, इधर मैंने कपड़े डालने बताओ उसकाने को रखे जी, तो इधर ही मैं कपड़े डालूंगी जी अंदर, क्योंकि बाहर हो रही है फ्रेंड्स बारिश, मशीन में मैं स्पिन करती हूँ, जल्दी जल्दी धो लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है कि लाइट आएगी, जा भी सकती है जी, अभी तो है फिलहाल तो जाने का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जी सारी रात भर भी लाइट नहीं थी, सुबह के 3 बजे हमारे लाइट आई है फ्रेंड्स, तो हम तभी सोए हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे, गर्मियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सर्दियों में फिर भी बंदा एडजस्ट कर लेता चाहे लाइट हो चाहे ना हो फ्रेंड्स। तो बच्चे कर रहे हैं जी, बच्चे देख रहे हैं जी टीवी, तो खाना भी खा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इनको खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल है, कन्नू को तो बहुत ही मुश्किल है, तो इसको खुद ही खिलाना पड़ता है, खिला दे बेटा इसको। तो फ्रेंड्स मैं जाती हूँ अभी कपड़े धोने, ये देखो जी मेरी साफ़ सफाई हो गई है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, इधर कुर्सी वगैरह ऐसी रखी है, ये होगी जी साफ़ सफाई पहले कर लेती जी, कपड़े मैं बाद में धोती हूँ फ्रेंड्स। तो इधर मैंने साफ़ सफाई कर ली जी, ये बेडशीट वगैरह, ये डस्टिंग वगैरह सारी हो गई जी, ये बेडशीट वगैरह रूही कन्नू ने बिछाई है फ्रेंड्स, तो इतना सा मेरी हेल्प कर लेती है, इन्होंने बिछाई है पर इनको बिछाने नहीं आई है अच्छे से, फिर भी बिछा दिए बेड ढक दिया, क्योंकि मैं सारा बेडशीट वगैरह सारा कुछ धो रही हूँ फ्रेंड्स, आज है मंडे तो सारा कुछ धो रही हूँ, डस्टिंग वगैरह सारी हो गई है फ्रेंड्स। तो इधर बेड उधर तो हमारा इतना गंदा रूम नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि उधर हम धूपबत्ती करने या थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, ज़्यादा हम उधर बैठते ही नहीं हैं फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए रहती, इधर ही हमारा ज़्यादा गंद पड़ा जी, इनसे मैंने सारे खिलौने वगैरह उठा दिए, कि अब स्कूल ओपन हो गया, अब तुम्हारे खेलने के दिन गए, सारी सेटिंग सुटिंग करने भेजी है फ्रेंड्स, सारे खिलौने जितने जितने जो रखना था बुक्स वगैरह, तो इनके बैग बुक साफ सूख करके जी, तो मैं दिन को बैठूंगी इनकी ड्रेस में प्रेस करने, हरा जितना जो कुछ बचा है फ्रेंड्स सारा डाल डूल के, तो मैंने बाकी रात को ही कर लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि इनका आज स्कूल जाना था, तो ये आज स्कूल सुबह उठे ही नहीं है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो जी ये बाहर दिख रहा है, यहाँ से सारा का व्यू दिख रहा है बाहर। तो फ्रेंड्स तो काम करते हैं जी, पहले बातें क्या लग, तो मैं आपसे मिलती हूँ जी थोड़ी देर के बाद, पहले काम हो जाए जी, तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं, फिर मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ फ्रेंड्स, तो काम ज़रूरी है पहले, तो बच्चे को मैंने बैठा लिया है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। तो फाइनली सारा काम डन हो गया है फ्रेंड्स। तो आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बट अब थोड़ा सा मौसम जैसे धूप निकल गई है फ्रेंड्स, तो चिपचिपा सा हो रहा है। तो हमारा लंच लुंच हो गया जी, काम कुम भी सारा हो गया है फ्रेंड्स। तो मैं बैठी हूँ आज स्पेशली बात करने, तो मैं फ्री होके बैठी हूँ जी। तो उसके बाद मैं करूँगी जी डिनर की तैयारी, क्योंकि जितनी जल्दी डिनर की तैयारी हो जाए जी, क्योंकि बच्चों का अब स्कूल ओपन हो गए हैं, बच्चों को टाइम से सुलाएंगे तभी बच्चा टाइम से उठ जाएगा जी। अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा, बहुत हो गई जी मौज मस्ती सब कुछ, तो बहुत ही मुश्किल है जी। तो बच्चों के लिए सबसे पहले बच्चे ज़रूरी हैं, तो बच्चों के रूटीन, तो मैं 4-5 बजे डिनर बनाने बैठ जाऊंगी फ्रेंड्स। 5 बजे जो हमारी चाय होती है जी, 6-7 बजे पूजा पाठ, फिर हमारा मैं सब्जी सब्जी जल्दी बना के रख लेती हूँ। तो बाद में रुई के पापा तो वैसे भी नहीं, और वेजिटेबल दाल दूल जैसे बिना तड़के की दालें दूल्हे और वही खाते हैं जी नाइट में, क्योंकि वो डाइटिंग पे, उनका ज़्यादा वेट, बहुत ही ज़्यादा वेट हो गया था फ्रेंड्स। तो मेरा भी हो गया है फ्रेंड्स, तो मुझे भी बोलते हैं डाइटिंग कर, बट मेरे से नहीं हो पाता फ्रेंड्स। धीरे धीरे होएगा, जैसे 2 रोटी खाती थी तो 1 पे आ जाएंगे, 3 तो 1 पे आ जाएंगे। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जी तड़के वाला खाना रात को, जैसे कोई चने ब्लैक चना खा लिया, वाइट चना खा लिया, जैसे चाट बना लिया, कुछ भी ऐसे बना लेते हैं फ्रेंड्स। भूखा पेट नहीं रहते हैं, खाते हैं बट रोटी नहीं खाते, ऑयली चीज़ें नहीं खाते, चीनी वगैरह भी बिल्कुल बिल्कुल कर दिए जी। उनका वेट सीरियसली उनका वेट कम हो गया है फ्रेंड। अगर आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है जिम जाने का, तो आप भी वेट ऐसे कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं जी। तो मेरे को भी बोलते बहुत मोटी हो गई है जी, तो मैंने बोला मैं मोटी ही ठीक हूँ, मेरे से अभी होता नहीं है, तो मैं काम कम करके जी पतली हो जाऊँगी, तो इतना नहीं होता फ्रेंड। तो धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रही हूँ होऊंगी। तो जैसे मैं 3 रोटी खा लेती थी, 2 रोटी खा लेती, तब मैं नाइट में कोशिश करती हूँ मैं 1 रोटी खाऊं, 1.5 रोटी खाऊं, 2 रोटी, दो ज़्यादा ज़्यादा भूख लगी तो 2 रोटी। वैसे वेजिटेबल हमें ज़्यादा खानी चाहिए फ्रेंड्स, फ्रूट हमें ज़्यादा खाने चाहिए, फ्रूट हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो जो बनाना ग्रेप्स वगैरह एप्पल वगैरह, तो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। सुबह एप्पल खाओ, पानी पियो, ये टी टू नहीं पीनी चाहिए जी, पर बट मुझे भी तो आदत है, मैं दूसरों को सलाह देती हूँ, मैं खुद ही टी तो 2 बार लेनी जरूरी है जी, जरूरी लो, बट खाली पेट कभी भी टी मत लो जी, पहले पेट भर के पानी पी लो। तो खाली पेट अगर आपको फिर भी दिक्कत होती है गैस घुस बनने की, तो थोड़ा कोई बिस्किट ले लो, कुछ भी ले सकते हो फ्रेंड्स आप। तो बचाव करो जी अपने, पहले हेल्थ है जी अपनी, अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ है जी। अगर आपकी हेल्थ सही है तो बच्चों की देख रेख भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो जी। तो यही बोलना चाहूँगी फ्रेंड, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज बच्चे भी, जब बच्चे घर पे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, तो स्कूल ओपन हो जाएगा, अब आपको भी करने सुबह या रात के व्लॉग में दिखेगी जी, दिन को तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, आएगी बेचारी 2 बजे, सुबह 7-8 बजे जाती है फ्रेंड्स, तो 2 बजे आएगी, बहुत ही ज़्यादा बोझ है जी बच्चों के ऊपर भी। तो सुबह भी उठने में बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को, तो अब तो ऐसे ही चलता रहेगा फ्रेंड्स की। तो अब तो मैं आपको कहीं पे भी, किसी ने बोला था अलग अलग भी दिया करो जी आपके घूमने के लिए, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो फ्रेंड्स जिस दिन मैं जाऊँगी पक्का मैं आपको अलग अलग व्यू दिखाऊँगी फ्रेंड्स। तो अभी फ़िलहाल ये है कि हमारे पास जाने का कोई पर्पस नहीं है, वो संडे को ही घर पे होते हैं, तो संडे को हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग व्यू दे दिखाए कि यहाँ पे क्या है घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ है जी घूमने फिरने के लिए, बस बंदे के पास टाइम होना चाहिए और जाने का पर्पस होना चाहिए। तो मैं इसी घर के, मैं हमारी बहुत छोटी फैमिली, आपको मैंने वीडियो में भी बताया है कि हमारे बच्चे सामने वाला कोई हो फ्रेंड्स, तो बंदा घूम सकता है। बच्चे हैं जी, बच्चे की स्टडी भी ज़रूरी है, होमवर्क ना कराओ तो टीचर्स गालियाँ देते हैं। तो बच्चों को टाइम टेबल से, अगर उनको टाइम से सुलाओ ना, टाइम से उनको खाना ना दो, बच्चा बीमार हो जाएगा। फिर ऐसे घूमने फिरने से फ़ायदा किया जी, पहले फैमिली देखो फिर जाके ये काम करो। जितना मेरे से हो सकेगा फ्रेंड पक्का मैं आपको अलग अलग व्यू दिखाऊंगी। बाकी तो डेली रूटीन में यही जी जो मेरे आता है ब्लॉग में, अपने बच्चों की फन वीडियो कभी कुछ जी ज़्यादा नहीं होता है कुछ, तो मैं वीडियो ही नहीं बनाती हूँ। तो इतना ही चलता रहेगा फ्रेंड्स धीरे धीरे। तो मन लग जाए, जिस दिन मन नहीं लगता तो उस दिन ब्लॉग ही बना लेती हूँ। अब बैठी हूँ मैं तो मन नहीं लग रहा था बच्चे, तो मैं बना लेती हूँ जी वीडियो। तो ये किसी ने बोला था कि आपका क्या क्या है वहाँ पे घूमने के लिए, अलग अलग व्यू दिया करो। घूमने के लिए फ्रेंड्स बहुत है, अभी कितना 1 महीना ही हुआ मुझे ब्लॉग बनाते बनाते, तो मैं आपको दिखाऊंगी जी धीरे धीरे, टाइम लगेगा फ्रेंड्स। तो मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी, यहाँ पे क्या है घूमने के लिए, बहुत कुछ है जी घूमने के लिए। और
और जिसने भी नकोदर किसी का मैसेज आया था कि आप नकोदर दरबार जा सकते हो फ्रेंड, जिसने जाना है बहुत अच्छा है जी, वहाँ पे जन्नत है जी पूरी, वहाँ पे आप जाओगे आपको इतना सुकून मिलेगा, सब दुख भूल जाओगे, साईं जी सारे दुख हर लेते हैं और आप इतने खुशी खुशी कराओगे। आपको पहले पता है कि आपका आने का मन ही नहीं करेगा वहाँ से, तो मैं तो हर एक संडे जाती जब भी मुझे मन करे, इस संडे को मैं नहीं जा पाई क्योंकि बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, तो हमारा भाई हम बाइक पे जाते हैं तो बच्चे घर पे हो, तो बच्चे को भी इस बार ले जाना था, तो ऊपर से बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए फ्रेंड्स। तो साईं जी को पता है जी, उनको हर एक चीज़ पता है जी, उनको ऑलरेडी उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता है कौन सा बंदा कैसा है, कौन सा बंदा कैसा है। जब हुक्म आता है जी साईं जी का, जब हुक्म करते हैं तो अपने आप ही वो खींच के ले जाते हैं जी, उनको उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है जी। तो मेरे को 3-4 साल हो गए जी फ्रेंड जाते हुए वहाँ पे नकोदर दरबार में, जिसने भी जाना है जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप जा सकते हो जी, जाके देखो सारे दुख भूल जाओगे जी। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, वीरवार को तो सबसे ज़्यादा आते हैं, संडे और वीरवार को वहाँ पे बहुत ही रश होता है फ्रेंड, तो आपको जाना चाहिए जिसको भी जाना है। अगर आप लाडी साईं जी के बारे में ज़्यादा ये जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर उनके बारे में सर्च कर सकते हो जी, क्या है क्या नहीं है। बहुत ही जी साधु थे वो, तो साधु तो आपको पता ही है जी किस तरह के होते हैं, साधु संत किस तरह के होते हैं, जो बोल देते एक बार वो हो जाता है जी। तो फ्रेंड्स तो अभी मैं बैठी हूँ, अब करेंगे जी एक बार पहले मैं चाय बनाऊँगी, मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कपड़े नीचे ऊपर ऊपर नीचे, और फिर मैंने अब अंदर ही डाल दिए क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे फ्रेंड, क्योंकि मैंने शुक्रवार को शर्ट तो भी नहीं धोए थे फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है बच्चे करके, क्योंकि कपड़े फ्रेंड्स गर्मियों में हम लोगों के बहुत हो जाते हैं, इसलिए बहुत हो जाते हैं, पसीना आता है तो फिर स्मेल करता है, स्मेल करके दोबारा वो कपड़ा नहीं पहना जाता, तो ये खोलते जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा करते गंदे कपड़े करते जी, तो सारे कपड़े धोए फ्रेंड्स, तो झाड़ू पोछा बहुत टाइम लग जाता है जी, बर्तन बंदा ऐसे ही वो हो जाता है फिर बहुत काम होता है। तो मैं फिर भी आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ जी, मैं जल्दी जल्दी काम करके फिर आप लोगों के लिए, अब तो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाते हैं जी, 5 बजे उठना पड़ेगा, तो बच्चों का टिफ़िन, दो टिफ़िन पैक हो गए जी, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को सुबह मॉर्निंग में, तो आपको मैं दिखाऊँगी जी कैसे होता है मॉर्निंग में हमारा शुरू काम, तो कोशिश करूँगी जी। तो आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके ओम साईं राम ब्लॉग अनीता सर्च करोगे जी यूट्यूब पे, ओम साईं राम ब्लॉग चैनल अनीता आपको एकदम से आ जाएगा जी यूट्यूब पे। आप मेरी वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, इतना ही बोलूँगी फ्रेंड, जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगती है जो मुझे जानते हैं जी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतना ही बोलूँगी। बाकी फ्रेंड्स तो करते हैं जी डिनर की तैयारी, और अभी टाइम तो कुछ नहीं हुआ है फ्रेंड्स, टाइम तो 4 बजे है, फिर भी अब इसे शुरू कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्चों को टाइम से सुलाना बहुत ज़रूरी है जी, तभी बच्चा टाइम से उठेगा, पहले बच्चों का ध्यान जरूरी जी, खुद भी टाइम से सुनेंगे तभी होएगा कुछ फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्लोर में के लिए।